अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू हतीम टेक न्यूज। मैं हूं अब्दुल मतीन और आज की इस वीडियो में काफी एक्साइटेड हूं क्योंकि मैं आपको यहां पर देने वाला हूं गैलेक्सी A51 का फर्स्ट लुक। और इससे पहले जो मैंने A51 की फर्स्ट लुक वाली वीडियो बनाई थी उसमें मेरे पास कंफर्म इन्फॉर्मेशन आ चुकी थी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की थी लेटेस्ट टेक न्यूज की वीडियो में कि गैलेक्सी A51 पाकिस्तान में आ रहा है, प्राइजेस क्या होंगी। तो आज मेरे पास डिवाइस भी आ चुकी है, यहाँ पे आपके पास सामने डिवाइस है, मेरे पास लाइव डिवाइस है। तो यहाँ पे मैं आपको इस डिवाइस का कंप्लीट दिखाऊंगा, डिवाइस देखने में कैसी है, स्पेसिफिकेशन भी बताऊंगा यहाँ पे गैलेक्सी A51 की, और प्राइजेस के बारे में भी बात करेंगे पाकिस्तान में क्या प्राइजेस होंगे, गैलेक्सी A51 की वेरियंट्स कौन से आएंगे। या मेरे पास कलर देख सकते हैं, पिंक कलर है, नया कलर है, सैमसंग की तरफ से काफी खूबसूरत कलर बनाया है। इस पर डिटेल में बात करते हैं वीडियो स्टार्ट करने के बाद। और यहाँ पे मैं आपको बता दूँ CC9 Pro, Xiaomi CC9 Pro भी बहुत जल्दी मेरे पास आने वाला है। तो ऐसे डिवाइसेज पाकिस्तान में सबसे पहले अनबॉक्सिंग देखनी है तो आपने चैनल को हमारा सब्सक्राइब लाजमी करना है। मेरे पास CC9 Pro भी आने वाला है, Redmi K30 भी आने वाला है। इन डिवाइसेज की सबसे पहले अनबॉक्सिंग देखने के लिए हतीम टेक न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन में भी लाजमी क्लिक करें ताकि आने वाली नई वीडियोज का नोटिफिकेशन आपके नोटिफिकेशन बार में आ सके। स्टार्ट करते हैं गैलेक्सी A51 का फर्स्ट लुक और यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ डिवाइस देखने में कैसी है। सबसे पहले डिवाइस के राइट साइड की बात करते हैं। राइट साइड आप देख सकते हैं यहाँ पे बिल्कुल बारीक से वॉल्यूम वोकर्स लगाए गए हैं जो कि इसकी खूबसूरती को काफ़ी ज़बरदस्त बना रहे हैं। यहाँ पे लगाया गया है पावर ऑन ऑफ की और यहाँ पे आप इसकी की लेंथ देख सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा स्मूथ, काफ़ी ज़्यादा स्मॉल कर दिया है, बारीक बिल्कुल बटन लगाए हैं, काफ़ी खूबसूरत लग रहे हैं। और अपसाइड अगर हम देखें डिवाइस की तो अपसाइड ब्लैंक है, यहाँ पे सिर्फ नॉइस कैंसिलेशन का माइक मिल रहा है। इसी के साथ लेफ्ट साइड देखते हैं, लेफ्ट साइड पे सिम ट्रे मिल रही है और यहाँ पे आपको मैं ट्रे निकाल के भी दिखा देता हूँ मेरे पास स्लॉट कौन सी है, मैं स्लॉट कौन सी मिलने वाली है गैलेक्सी A51 में। ये आ गई हमारे पास स्लॉट बाहर, यहाँ पे आपको 3 कार्ड स्लॉट मिलने वाली है, ज़बरदस्त चीज़ है। 3 कार्ड स्लॉट यानी कि डेडिकेटेड स्लॉट मिल रही है मेमोरी कार्ड के लिए। इसके अलावा 2 डुअल सिम भी लगा सकते हैं, नैनो सिम यूज़ कर सकते हैं दोनों आप यहाँ पे। डाउन साइड पे देखते हैं डिवाइस की, डाउन साइड पे चार्जिंग जैक मिल रहा है 3.5 mm का और यहाँ पे चार्जिंग जैक है टाइप सी कनेक्टिविटी के साथ और यहाँ पे स्पीकर मिल रहा है, तीनों चीज़ें डाउन साइड पे मिल रही हैं। बैक साइड डिस्कस करते हैं डिवाइस की, बैक साइड काफ़ी खूबसूरत है, कलर आप देख सकते हैं शाइनी पिंक कलर है मेरे पास और बड़ा खूबसूरत कलर लग रहा है। बैक साइड पे एल शेप के अंदर 4 कैमरे लगाए गए हैं, क्वाड कैमरा सेटअप है विद LED फ्लैश, यहाँ पर सैमसंग की ब्रांडिंग हुई भी है, क्रिस्टल डिज़ाइन है और यहाँ पे आप देख सकते हैं शेप बनी हुई है लाइंस वाली और यहाँ पे लाइट शेप नहीं है, काफ़ी खूबसूरत कलर्स है। बैक साइड सबसे प्यारी लगी मुझे इसकी फ्रंट साइड, डिस्प्ले सैमसंग का वाकई ज़बरदस्त होता है और यहाँ पे तो काफ़ी खूबसूरत लग रहा है, बिल्कुल स्मॉल होल पंच के अंदर कैमरा लगाया गया है, यहाँ पे Vivo V17 से भी ज़्यादा स्मॉल है। तो यहाँ पे बीच में कैमरा है बिल्कुल स्मॉल सा, आप देख सकते हैं डिस्प्ले बहुत प्यारा है, कलर्स काफ़ी अच्छे हैं। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ ब्राइटनेस, मैंने फुल भी नहीं की हुई थी, काफ़ी ज़बरदस्त लग रही थी, अभी मैंने ब्राइटनेस फुल की है और यहाँ पे कलर्स बहुत प्यारे हैं, बहुत खूबसूरत डिस्प्ले है। यहाँ पे साइज़ की बात करें तो 6.5 इंच का डिस्प्ले मिलेगा हमें, इन्फिनिटी ओ डिस्प्ले कहता है सैमसंग इससे, इसमें छोटा सा स्मॉल होल पंच को इन्फिनिटी ओ डिस्प्ले का नाम दिया है, 6.5 इंच का डिस्प्ले साइज़ होगा। यहाँ पे डिस्प्ले टाइप सुपर अमोलेड डिस्प्ले लगाया गया है, काफ़ी ज़बरदस्त चीज़ है, इस प्राइस रेंज के अंदर आपको सुपर अमोलेड वो भी सैमसंग की तरफ से, जिसके डिस्प्ले होते ही ज़बरदस्त हैं। रेजोल्यूशन यहाँ पे होगा 1080x2400 का, 2400 का पिक्सल्स यहाँ पे रेजोल्यूशन है। पिक्सल डेंसिटी होगी 405 PPI की। इसके अलावा यहाँ पे एस्पेक्ट रेशो की बात करें तो 20:9 का एस्पेक्ट रेशो लगाया गया है डिवाइस में गैलेक्सी A51 में और स्क्रीन टू बॉडी रेशो यहाँ पे 87.4% है। बेजल लेस डिस्प्ले है, बिल्कुल ना होने के बराबर बेजल्स, चिन भी ना होने के बराबर है, बिल्कुल छोटी सी स्मॉल सी चिन है और यहाँ पे वाटर ड्रॉप वगैरह नहीं है, कोई होल पंच, स्मॉल कैमरा है, फुल व्यू डिस्प्ले है, ना बेजल है यहाँ पे, ना यहाँ पे कोई चिन बड़ी मिल रही है। क्योंकि अमूमन मैंने देखा है जो दूसरी डिवाइसेस दूसरे ब्रांड हैं, अगर हम देखें Reno 2F को या Vivo V17 को, इस प्राइस रेंज की डिवाइसेस को देख रहा हूँ तो उसमें भी यहाँ पे चिन काफ़ी बड़ी होती है, लेकिन यहाँ पे गैलेक्सी A51 के अंदर बिल्कुल स्मॉल चिन है, ना होने के बराबर है, जिस तरह बेजल्स हैं उसी तरह यहाँ पे चिन भी हमें मिल रही है। फुल व्यू डिस्प्ले लगाया गया है और प्रोटेक्शन के लिए फ्रंट पे कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 लगाया गया है, 3 की प्रोटेक्शन मिलेगी। बैक साइड प्लास्टिक है पॉलीकार्बोनेट, यानी आपको लेकिन लुक जो दे रही है वो ग्लास का लुक दे रही है, ग्लास प्रीमियम लुक है डिवाइस का, हैंड फीलिंग काफ़ी ज़बरदस्त है, आप इसको लेते हैं डिवाइस को हाथ में तो लगता है कि कोई फ्लैगशिप डिवाइस आपके हाथ में है, हैंड फीलिंग बड़ी ज़बरदस्त है इस डिवाइस की। बैक साइड पे कैमरों की बात करें, बैक साइड पे क्वाड कैमरा सेटअप मिलेगा, यहाँ पे L-shaped में कैमरा लगाएंगे हैं, मेन कैमरा यहाँ पे 48 MP का होगा विद अपर्चर F1.8, 12 MP का अल्ट्रा वाइड कैमरा लगाया गया है, इसके अलावा 5 MP का डेप्थ सेंसर मिलेगा विद अपर्चर F2.2 और 5 MP का डेडिकेटेड मैक्रो कैमरा लगाया गया है। यहाँ पे कंप्लीट रेंज मिलेगी आपको, 48 MP मेन, 12 MP अल्ट्रा वाइड, 5 MP डेप्थ सेंसर, 5 MP मैक्रो कैमरा। इसके अलावा फ्रंट कैमरे की बात करें तो फ्रंट यहाँ पे 32 MP का सेल्फी कैमरा लगाया गया है
और रिजल्ट काफ़ी ज़बरदस्त है। मैं आपके साथ कुछ यहाँ पे पिक्चर्स भी शेयर करता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मेरे पास एक फ्लावर है, इसको हम कैप्चर करते हैं। ये है इसका नॉर्मल मूड और ये है अल्ट्रा वाइट, ज़बरदस्त। ये नॉर्मल मूड है, अल्ट्रा वाइट आपने देखा, एक हमने पिक्चर कैप्चर की है और ये पिक्चर मैं आपको दिखाता हूँ। कलर्स कितने खूबसूरत हैं, क्या ज़बरदस्त पिक्चर है। एक एक डिटेल, एक एक कलर्स वाजे नज़र आ रहा होगा आपको। बहुत खूबसूरत पिक्चर कैप्चर की है यहाँ पे गैलेक्सी A51 में। तो कैमरे का डिटेल पे हम अलग से वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि बहुत डिटेल कैमरा है, बहुत ज़बरदस्त फीचर्स हैं। इसके लिए मैं डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा अलग से, जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ गैलेक्सी A51 के कैमराज पे बात करेंगे, फ्रंट कैमरा और बैक कैमराज। अभी ये फर्स्ट लुक है तो हम यहाँ पे आपको डिटेल में नहीं बताऊंगा मैं इतनी ज़्यादा। इसके अलावा स्पेक्स की बात करें यहाँ पे, तो हमें जो चिपसेट मिल रही है वो सैमसंग की तरफ से, सैमसंग की अपनी चिपसेट है। यहाँ पे एक्सीनॉस 9611 की चिपसेट मिल रही है और ये पावरफुल चिपसेट है। इसके अलावा यहाँ पे हम जीपीयू की बात करें तो माली G72 MP3 का जीपीयू मिल रहा है। सीपीयू यहाँ पे 2.3 GHz का ऑक्टाकोर लगाया गया है। और ये रैम और रोम की वेरिएंट की बात करें तो ये मेरे पास जो डिवाइस है ये 4GB रैम विद 128GB रोम वाली डिवाइस है, लेकिन इसका वेरिएंट जो पाकिस्तान में आएगा वो एक्सपेक्टेड है कि 6GB रैम विद 128GB रोम वाले वेरिएंट आएगा पाकिस्तान में। लेकिन मेरे पास ये जो डिवाइस है ये 4GB रैम विद 128GB रोम वाली डिवाइस है, लेकिन मैंने आप जैसे बताया पाकिस्तान में 6GB रैम विद 128GB रोम भी आ सकता है और 4GB 128GB आ सकता है, दोनों वेरिएंट आ सकते हैं। या 6GB वाले की ज़्यादा उम्मीद है कि 6GB 128GB रोम का वेरिएंट पाकिस्तान में लॉन्च किया जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे हम देख लेते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, तो काफ़ी ज़बरदस्त चीज़ है कि आउट ऑफ बॉक्स एंड्रॉयड 10 पर आती है डिवाइस। यहाँ पे आप देख सकते हैं आउट ऑफ बॉक्स एंड्रॉयड 10 मिलेगा हमें। ये सब पाकिस्तान में कुछ ही ऐसी डिवाइस हैं जिसमें आउट ऑफ बॉक्स एंड्रॉयड 10 हमें सॉफ्टवेयर मिलता है। यहाँ पे One UI 2.0 मिल रहा है, सैमसंग का अपना ऑपरेटिंग सिस्टम One UI 2.0 है और सैमसंग की तरफ से लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम मिल रहा है इस डिवाइस के अंदर। बैटरी की बात करें तो बैटरी यहाँ पे मिल रही है 4000 mAh की, 4000 mAh बैटरी लगाई गई है। और इसके साथ मैंने आपको बताया टाइप सी हमें कनेक्टिविटी मिलने वाली है, फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करती है डिवाइस। फिर सेंसर्स की बात करें तो सेंसर्स यहाँ पे इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर मिलेगा गैलेक्सी A51 में, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर लगाया गया है। इसके अलावा फेस अनलॉक की फैसिलिटी भी मिल रही है इस डिवाइस के अंदर। तो ओवरऑल स्टैक्स वाइज काफ़ी ज़बरदस्त डिवाइस होने वाली है, बहुत ज़बरदस्त डिस्प्ले, बहुत ज़बरदस्त कैमरास, बहुत ज़बरदस्त कलर्स। और इसके अलावा यहाँ पे इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर, ऑपरेटिंग सिस्टम भी अपडेटेड है, परफॉर्मेंस भी काफ़ी ज़बरदस्त होने वाली है। इसके अलावा प्राइस की बात करें तो यहाँ पे गैलेक्सी A51 की एक्सपेक्टेड प्राइस है पाकिस्तान में, जो 6GB रैम विद 128GB रोम वाला वेरियंट आएगा उसकी एक्सपेक्टेड ये की जा रही है कि प्राइस 55,000 rupees तक इसको लॉन्च किया जाएगा। 55 से 60 तक आप कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि 56-57 भी हो सकता है, लेकिन मुझे ज़्यादा उम्मीद है 55 की प्राइस के अंदर लॉन्च करेंगे। तो काफ़ी ज़बरदस्त प्राइस के अंदर बहुत ज़बरदस्त डिवाइस होने वाली है, काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से मार्केट में बीट करेगा वीवो V17 को और ओप्पो Reno2F को, काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से बीट करने वाली है उस प्राइस रेंज के अंदर। बेहतरीन डिवाइस होने वाली है गैलेक्सी A51 अपनी प्राइस रेंज के अंदर। जैसे ही पाकिस्तान में लॉन्च होगा इसकी अनबॉक्सिंग भी करेंगे और इसका रिव्यूज भी जल्दी लाने वाला हूँ चैनल पर, कैमरा रिव्यू, परफॉर्मेंस रिव्यू, उसका कंपैरिजन भी करूंगा। तो वीडियो देखने के लिए चैनल पर सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को लाजमी क्लिक कर लीजिएगा ताकि वो नोटिफिकेशन आपके पास जल्दी आ सकें। अल्लाह हाफिज़।